हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजनालाल स्टडी। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं एक महापुरुष की जीवनी पर आधारित वीडियो लेकर आई हूं और वो महान पुरुष है महात्मा गांधी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कूल के विद्यार्थियों के लिए। एग्जाम में अगर महात्मा गांधी पर निबंध लिखने को आता है या फिर महान नेता पर या आपके फेवरेट नेता पर निबंध लिखने को आता है तो आप ये लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। महात्मा गांधी पर निबंध कैसे लिखे, सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, उसके बाद गांधी जी का जन्म कब हुआ, उनकी शिक्षा कैसे हुई, गांधी जी के आदर्श क्या थे और अंत में उपसंहार। प्रस्तावना में लिखेंगे सबसे पहले दो लाइनों से स्टार्टिंग करेंगे। दीदी हमें आजादी बिना खटक बिना डाल साबरमती, कमाल। प्राचीन काल से ही हमारा देश भारत महापुरुषों की जन्मभूमि रहा है। राम कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर जैसे अनेक महात्माओं ने यहाँ जन्म लेकर इस भूमि को पवित्र किया है। आधुनिक युग में अहिंसा के अवतार महात्मा गांधी ने जन्म लिया, जिसने न केवल हमें अहिंसा का मार्ग दिखाया बल्कि हमें अंग्रेजों की गुलामी के बंधन से मुक्त भी करवाया। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, चलिए जानते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1873 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतली बाई था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहन था। लोग उन्हें प्यार से बापू कहा करते थे। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे। अगली हेडिंग देंगे शिक्षा, चलिए जानते हैं उन्होंने शिक्षा कहाँ से और कैसे प्राप्त की। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा से हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इंग्लैंड चले गए तथा बैरिस्टर बनकर वापस लौटे। एक मुकदमे के सिलसिले में इन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ उन्हें अंग्रेजों की रंग भेद नीति का शिकार होना पड़ा। गांधी जी ने उसके विरुद्ध आवाज उठाई और सफलता प्राप्त की। गांधी जी के आदर्श अगली हेडिंग होगी। दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के बाद वे अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में जुट गए। गांधी जी ने सत्याग्रह को अपना अस्त्र बनाया। गांधी जी के आंदोलन में भारतीय भी उनके साथ जुड़ गए। 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें उसके नेतृत्व में जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह तथा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया। अंग्रेजों ने कई बार उन्हें बंदी बनाया तथा जेल में बंद कर दिया, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत को विदेशी शासन को देश के विभाजन के समय हिंसा रोकने के लिए गांधी जी ने उपवास किया तथा हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित की। गांधी जी भारत में राम राज्य देखना चाहते थे। उनकी मृत्यु कब हुई, चलिए जानते हैं। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक एक व्यक्ति ने एक प्रार्थना सभा में गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे सारे देश में शोक की लहर छा गई। गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। उनकी शिक्षाएं आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। हमें उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए और देश की उन्नति में हमेशा लगे रहना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।